अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हलचल तेज हो गई है। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेने आज सीएम योगी दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। वहां साधु संतों से मुलाकात कर अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि स्थल का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए 268 लोगों की लिस्ट बनी है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से 200 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। और हमारे सहयोगी अशोक तिवारी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, आज सीएम योगी कितने बजे अयोध्या पहुंचेंगे, कितनी देर वहां रुकेंगे और किन चीजों पर उनकी वहां नजर रहेगी? बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। सबसे अहम बात यह है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी के मद्देनजर ये पूरा दौरा देखा जा रहा है। दोपहर बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जहां पर राम मंदिर का निर्माण होना है उस जगह का निरीक्षण भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहे हैं वहां का भी जायजा योगी आदित्यनाथ लेंगे और इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम सारे जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें तमाम सारे जो साधु जिनको ट्रस्ट में जगह भी दी गई, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इसके अलावा अयोध्या के जो राजा हैं विमलेंद्र मिश्रा, इसी के साथ साथ तमाम सारे ट्रस्ट के वो लोग जो अयोध्या में मौजूद हैं उनसे भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो कुल मिला के 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा जो भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है उसी की तैयारियों के मद्देनजर आज का ये पूरा दौरा माना जा रहा है। हालांकि एक हफ्ते पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के निर्माण कार्यों को लेकर, अयोध्या के विकास को लेकर जायजा लिया था, प्रेजेंटेशन देखा था तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका। तो फिलहाल 5 अगस्त को क्या कुछ खास होने वाला है, कैसे उस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाना है, कैसे अमली जामा पहनाया जाना है, इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर योगी का दौरा आज अयोध्या का माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक आपका यह जानकारी हमें देने के लिए।